इफ यू हैव एनी कन्फ्यूजन देन यू कमेंट मी. थैंक्स फॉर वॉचिंग. नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं कॉमर्स ट्यूब और मैं हूं आपके साथ विवेक कुमार विद्यार्थी। कोस्ट अकाउंटिंग है, बुक है डॉक्टर एस एम शुक्ला, क्वेश्चन नंबर 14 है, चैप्टर है टेंडर प्राइस। आइए हम शुरू करते हैं। इसमें आपको निकालना क्या सब है, निकालना है द कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, द प्राइम कॉस्ट, वर्क कॉस्ट, टोटल कॉस्ट, परसेंटेज ऑफ वर्क्स ऑन कॉस्ट टू प्रोडक्टिव वेजेज, फिर आगे निकालना है द परसेंटेज जनरल ऑन कॉस्ट, वर्क्स ऑन कॉस्ट। ठीक है, ये सारा कुछ दिया हुआ है। इसके आधार पर जो है आपको कंपनी एक बड़े प्लांट के लिए टेंडर देना चाहती है, मतलब इसके आधार पर जो है आपको क्या करना है, टेंडर प्राइस निकालना है। ठीक है ना, तो सबसे पहले आपको इसमें तैयार करना होगा कॉस्ट शीट। आइए हम तैयार करते हैं पहले कॉस्ट शीट। सबसे पहले आपको निकालना है रॉ मटेरियल यूज्ड। क्वेश्चन नंबर 14, रॉ मटेरियल यूज्ड, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल दिया हुआ है 33,280। इसमें ऐड कर देंगे हम परचेज, आपने खरीदा है 7,59,200 का, 7,59,200, इसको जोड़ने से होता है 7,92,480। इसमें लेस कर देंगे हम क्लोजिंग रॉ मटेरियल, ये दिया हुआ है 35,360, घटाने से ये होता है 7,57,120, 7,57,120 ये कहलाएगा रॉ मटेरियल यूज्ड। नंबर ए का आंसर आपका आ गया। इसमें ऐड कर देंगे हम वेजेज, वेजेज दिया हुआ है 5,16,880, 5,16,880, जोड़ने से जो आएगा वो कहलाएगा प्राइम कॉस्ट, ये जोड़ने से होता है 12,74,000। इसमें ऐड कर देंगे हम वर्क्स ऑन कॉस्ट, तो फैक्ट्री एक्सपेंस ये दिया हुआ है 1,29,220, 1,29,220, इसको जोड़ने से ये होता है 14,03,220, 14,03,220 ये कहलाएगा फैक्ट्री, या इसको बोलते हैं वर्क्स कॉस्ट। इसमें ऐड कर दो और तो कोई खर्चा है, ऑफिस ऑन कॉस्ट, तो ऑफिस एक्सपेंस 70,161 दिया हुआ है, 70,161, जोड़ने से होता है 14,73,381, 14,73,381, ये नंबर टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ये आपका आ गया। आपको नंबर 4 में निकालना था कुल लागत, नंबर 3 में निकालना था, ये आपको निकालना था फैक्ट्री, नंबर 3 का आंसर ये हो गया फैक्ट्री कॉस्ट, नंबर 1 का हो गया यहाँ पर रॉ मटेरियल यूज्ड, नंबर 2 का ये हो गया प्राइम कॉस्ट, नंबर 3 का फैक्ट्री कॉस्ट, नंबर 4 का टोटल कॉस्ट। ठीक है ना, ये हो गया। इसमें ऐड कर दो ओपनिंग फिनिश्ड गुड्स, तो क्वेश्चन में दिया हुआ है फिनिश गुड्स 72,800, 72,800 जोड़ने से ये होता है 15,46,181, 15,46,181, इसमें लेस कर दो क्लोजिंग फिनिश्ड गुड्स, ये दिया हुआ है 78,000, इसको लेस करने से होता है 14,68,181, 14,68,181। फिर आगे में सेलिंग प्राइस दिया हुआ है, सेलिंग प्राइस ये दिया हुआ है 15,39,200, 15,39,200, तो ये कुल लागत हो गया और ये सेलिंग प्राइस है, डिफरेंस क्या कहलाएगा, प्रॉफिट कहलाएगा। इसमें इसको लेस कर दो, ये होता है 71,019, 71,019 ये हो गया टोटल कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड।
आगे आपको निकालना है टेंडर प्राइस। टेंडर प्राइस क्वेश्चन में मटेरियल दिया हुआ है 52,000, वेजेज दिया हुआ है कितना 31,200, जोड़ देंगे हम 5 3 8 83,200, ये कहलाएगा प्राइम कॉस्ट। ओ इसमें तो एक चीज़ और निकालना था जो हम निकाले नहीं, आइए निकालते हैं। इसमें आपको परसेंटेज निकालना है, क्या निकालना है परसेंटेज। आइए हम प्रतिशत निकालते हैं। नंबर वन में कहता है परसेंटेज ऑफ फैक्ट्री एक्सपेंस विथ वेजेज। इसका फॉर्मूला हो जाता है फैक्ट्री एक्सपेंस इनटू 100 डिवाइड बाय वेजेज। तो फैक्ट्री एक्सपेंस दिया हुआ है क्वेश्चन में 129,220 गुना 100, और ये वेजेज है 5,16,880, ये गुना भाग करने से होता है 25%। फिर आपको निकालना है परसेंटेज ऑफ जनरल एक्सपेंस विथ फैक्ट्री कॉस्ट। इसका फॉर्मूला होता है ऑफिस एक्सपेंस गुना 100 बटे फैक्ट्री कॉस्ट। तो ऑफिस एक्सपेंस दिया हुआ है 70,161 गुना 100 बटे फैक्ट्री कॉस्ट हम निकाल चुके हैं 14,03,220, ये होता है गुनाफा करने से 5%। इसका मतलब है कि वेजेज का 25% फैक्ट्री में खर्चा होगा। यहाँ वेजेज दिया हुआ है 31,200, तो 25% ऑफ 25% ऑफ वेजेज ये हो जाएगा फैक्ट्री एक्सपेंस। तो इसको हम गुना भाग करेंगे तो ये हो जाता है 7,800। 8 × 2 = 10, 7 × 10 = 11, ठीक है 91,000, ये हो गया आपका फैक्ट्री कॉस्ट। इसमें ऐड कर देंगे हम ऑफिस ऑन कॉस्ट, तो फैक्ट्री कॉस्ट का 5% निकाल चुके हैं अभी हम, तो इसका 5% लेंगे हम, तो ये हो जाता है 4,550, 5% ऑफ फैक्ट्री कॉस्ट। ये हो गया टोटल कॉस्ट कितना 95,550। अब क्वेश्चन कहता है टेंडर जो है 25% प्रॉफिट वाला होना, सॉरी 20% जो है विक्रय मूल्य पर लाभ होना चाहिए। तो कॉस्ट हो गया 95,550 गुना 20, विक्रय मूल्य पर रहेगा तो 100 माइनस 20 80 हो जाएगा 80। ये चार बार में कट गया, चार से भागा लगा दो, ये होता है 23,807। 23,807.5 इसको आप जोड़ दीजिए, ये हो जाएगा 5 × 5, एक थोड़ा जगह का अभाव हो रहा है, ये 5 × 5 हो जाएगा 0.75, 5 × 8 = 13, 5 × 3 = 8, 9 × 2 = 11, 1,18,300, 5 × 8 = 13, 5 × 8 = 9, 119,400। ये थोड़ा सा आइए हम इसको इधर ले लेते हैं, 95,550 टोटल कॉस्ट 95,550, इसमें ऐड कर दो प्रॉफिट 95, तो टोटल कॉस्ट है 95,550 गुना 20 बटे कितना 80, तो 20 × 80 चार से कटाएंगे हम, ये हो जाएगा 23,887.5, 7 × 7 8 × 5 = 13, 8 × 5 = 14, 5 × 8 = 9, और ये 9 × 2 = 11, 1,19,437.5 ये कहलाएगा टेंडर प्राइस।
ठीक है ना। ये था क्वेश्चन नंबर 14।